नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसका नाम है शारिक 2। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शारिक 2 एक 2022 पंजाबी ड्रामा फिल्म है जो जोहल प्रोडक्शन, हाइट हिल स्टूडियोज और थिंड मोशन फिल्म्स के बैनर तले निर्मित है। ये 2015 की फिल्म शारिक का सीक्वल है। शारिक 2 में जिमी सर्गिल, देव खरोद और शरद कौर है। सीक्वल की तरह शारिक 2 का निर्देशन भी नवनीत सिंह ने करेगी। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को बजललाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकु देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका बर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गाँव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को भजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फ़ायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था। सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग लेने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका बर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 वर्ष गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फ़ायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को भजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फ़ायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गाँव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं। दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सके। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों का विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं। दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गाँव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था। सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए लेते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ने तलते हैं दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों का विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं। दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग लेने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 होती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ने चलते हैं। दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका बर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गांव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ने चलते हैं दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव ये युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। इसे फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सके। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजललाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ने तलते हैं। दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। इसे फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों का विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजललाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकु देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय जो पैसे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों का विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग लेने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजललाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं। दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं। दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। इस फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलती है और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 होती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है तो वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है। उनका बर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। इससे फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गाँव में अजय गाँव की एक लड़की मानसी से मिलती है और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गाँव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे होने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, ये वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सके। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों का विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गांव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दुनियानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दुनियानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। इससे फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलती है और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बाल होती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गांव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए लेते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था सपना भी।
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वो गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म ने अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए देते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गाँव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ने चलते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रिक्वल से जिमी सर्गिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगा। ये फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। 2 मई देव और अजय, जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगाते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से बात पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर ये की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का नियंत्रण लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुँचता है, देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गाँव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो उस घर निर्माण शुरू कर सकें। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारी को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गाँव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनके पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों को विरोध करने लगते हैं और इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के बस 7 बार गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कहीं अस्पताल नहीं थी और दूसरे गाँव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वे उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भाग देने के लिए लेते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला बजनलाल एक लालची साहूकार की मदद और वो दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फ़ायदा उठाने का फैसला करते हैं। वो देव और अजय की बीच मतभेद और करवाहट पैदा करता है और स्थिति का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अजय जुआ खेलने के अपने प्रलोभन को आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाते हैं, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके जो दीनानाथ का था। सपना भी
जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है वो अपने गुंडों के साथ उन पर और दुनियानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं। दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था, वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब कुछ एक हो जाता है।